हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों नाउ टॉपिक स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ऑनलाइन टेस्ट को। आज के टेस्ट में हम देखने वाले हैं रैंकिंग एंड इंडेक्स 2019 से संबंधित टॉप 20% जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इन 20% में से आप कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये वीडियो डेली रात को 9 बजे अपलोड होती है, तो आप इसको ज़रूर देख लिया करें और अपनी जीके को इम्प्रूव करिए, क्योंकि ये वीडियो एक भी दिन मिस नहीं होती है, डेली अपलोड होती है, और इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कल की वीडियो से क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और ये कल की वीडियो में मैंने कवर कराया था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में, आप यहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में वैश्विक रूप से कौन सा इंस्टीट्यूट पहले स्थान पर रहा? दोस्तों इसका सही आंसर है MIT। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 140। ठीक है, और अगर मैं 2018 की मैं बात करूं तो भारत का स्थान रहा था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 136वां, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री है दोस्तों, हाल ही में जारी फोर्ब्स मैगजीन के आंकड़ों के अनुसार भारत के टॉप 10 बैंक्स में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों HDFC बैंक। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है दोस्तों, 2019 में जारी की गई वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। तो देखिए दोस्तों, ये रहा था आपका गुड़गांव। ठीक है, गुड़गांव यानी कि ये हरियाणा में पड़ता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव है, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है 78 स्थान पर। ठीक है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट पहले स्थान पर रहा? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा IIT मद्रास। वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो भी स्टूडेंट सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आप दोस्तों वीडियो पे आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में प्लस कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से भी जा सकते हैं, फिर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके प्लस वाले सेक्शन में जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको एग्जाम का कोर्स परचेज करना है। बाई चांस आप किसी भी एग्जाम की क्लासेस नहीं लगा पा रहे हैं, जो भी आपने फॉर्म भरा है, तो आप अनअकैडमी से उसका कोर्स परचेज करके घर बैठ के अच्छे तरीके से कोचिंग से कहीं बेटर गुना पढ़ाई कर सकते हैं। आप कोई भी प्लान सेलेक्ट करिए, गेट कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप क्या करना है, प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, एंटर रेफरल कोड जहाँ पे लिखा रहता है वहाँ पे टॉपिक स्टडी फिल करके। मान लीजिए आपका 2000 रुपये का कोर्स है, तो आप टॉपिक स्टडी का कोड अप्लाई करके 1800 रुपये में उसको ले सकते हैं। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और टॉपिक स्टडी कोड में गैप मत दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विश्व रैंकिंग के हिसाब से छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। तो इसका सही आंसर दोस्तों लंदन रहेगा। ठीक है, तो लंदन जो है वो छात्रों के लिए दुनिया मतलब दुनिया में सबसे अच्छा शहर है रहने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आठवां क्वेश्चन है आपका, CBRE के सर्वे के अनुसार दुनिया के 10 सबसे महंगे ऑफिस लोकेशन में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? तो देखिए, भारत के किस शहर को शामिल किया गया है, दिल्ली को किया गया है, और इसमें भी आपका कनॉट प्लेस अगर ऑप्शन में दिया जाएगा तो ये आपको राइट आंसर लगाना है। ठीक है, CP। और यहाँ पे अगर पहले नंबर की बात की जाए तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, ये आपका एक हांगकांग का शहर है, ये आपका पहले स्थान पर है, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, बाकी के ये दो लोकेशन भी इंडिया की है,
नरीमन पॉइंट ये भी दिल्ली में है और ये 40वें स्थान, सॉरी ये 40वें स्थान पर है और ये आपका 27वें स्थान पर है, तो ये भी आपके इंडिया के ही तीन हैं। बट 9वें स्थान पर है ये आपका कैनाट प्लेस, तो ये मतलब अंडर 10 में आया हुआ है, तो 10 सबसे महंगे ऑफिस में से 9वां भारत का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर था? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर आ दोस्तों 41, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जारी एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 भारत की रैंकिंग क्या रही? तो देखिए भारत की रैंकिंग रही है दोस्तों इसमें यहाँ पे आपका 47, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों रहेगा आपका 11वां नंबर, ठीक है। तो भारत की रैंकिंग इसमें 11वां नंबर रही थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में WHO द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 15 सबसे गंदे शहरों में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? ठीक है, दुनिया के, देखिए यहाँ पे बात किसी की जा रही है, हाल ही में WHO द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 15 सबसे गंदे शहरों में सबसे मतलब पहले स्थान पर कौन सा रहा? तो आप जान के या आपको पता भी होगा, जान के हैरानी भी हो सकती है, कानपुर रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का ये शहर है। तो देखिए बहुत ही मतलब एक गलत बात है ये, और जो हमारे लिए एक अच्छी बात भी नहीं है और बहुत शर्म की बात भी है कि कानपुर दुनिया के 15 जो सबसे गंदे शहर है उसमें पहले स्थान पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर दोस्तों आप लगा सकते हैं, तो बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन बी लगा रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 80वें स्थान पर, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग 2019 में कौन सा शहर रहने योग्य शहरों में पहले स्थान पर है? तो ये आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही, तो वियान यहाँ पे पहला स्थान हो जाएगा दोस्तों, और ये 2018 में भी पहले पे था, अभी भी 2019 में भी पहले पे ही है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में भारत की क्या रैंकिंग है? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, 141, 141वीं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, पहली बार SDG इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 95, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2019 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इंदौर, ठीक है। तो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2019 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो इंदौर इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये देखिए दोस्तों इंदौर यहाँ पे राज्य नहीं सिटी रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, WEF द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत रहा है दोस्तों आपका 76 नंबर पे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, ग्लोबल रिच लिस्ट 2019 में दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में भारत के किस शख्स को शामिल किया गया है? तो ये आप बता ही सकते हैं, ठीक है, ये आप बता ही सकते हैं, इसमें कोई आपका बात ही नहीं है, मुकेश अंबानी यहाँ पे हमारे रहेंगे, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में इंडिया की रैंकिंग क्या थी? तो अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ, तो आप बता दीजिए आंसर जो भी पता है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में रैंकिंग क्या रही? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों आपका 100, ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है,
रेटिंग एजेंसी क्रेसल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। देखिए, अलग अलग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग रिपोर्ट देते हैं, तो आपको सबकी रिपोर्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दो तीन होते हैं, जैसे आपका आरबीआई की पता होनी चाहिए, ठीक है, ये हो गया, और एक दो हो रहे हैं तो मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की होगी, इनकी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने दी है 6.9, ठीक है, और जो कि पहले इन्होंने दी थी 7.1 इन्होंने पहले दी थी, बट अभी इन्होंने चेंज करके दिया कि 6.9% रहेगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2018 में भारत का क्या स्थान रहा। दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या रह जाएगा? बिल्कुल सही, 100, अच्छा ये ऑप्शन दिख नहीं रहा, 108 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का जो स्थान रहा है वो 108वां रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। ये भी आपको पता होना चाहिए, भारत का पता चल गया, पहले स्थान पर कौन सा है। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, फिनलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36वें स्थान पर, यानी कि ऑप्शन सी इज द